हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना। आज के सेशन में हम एडजेक्टिव्स पे बेस्ड एक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे राइट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स करना है एंड कहाँ पे कौन से एडजेक्टिव्स का अगर रॉन्ग यूज हो रहा है तो उसको कैसे रिप्लेस करके उसमें सही यूज करना है। सो विल सी ऑन द स्क्रीन द फर्स्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हमने ब्रेक किया हुआ है ताकि हम पार्ट बाय पार्ट इस सेंटेंस को एनालाइज करें और देखें कि एक्चुअली कहाँ पर गलती है और उस हिसाब से उसको रेक्टिफाई करें। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। अगर हम देखेंगे इसमें पार्ट ए में तो ट्रैफिक इज द नाउन। नाउ एडजेक्टिव्स हम कब यूज करते हैं? जब हमें नाउन को डिस्क्राइब करना होता है। तो यहाँ पर मैनी जो वर्ड है इज सपोज टू बी एन एडजेक्टिव। वाई? बिकॉज ट्रैफिक जो नाउन है, ट्रैफिक नाउन को मैनी एक एडजेक्टिव या हम कहेंगे क्वालिफायर वो इसको डिस्क्राइब करता है ट्रैफिक को। बट इफ वी नो ट्रैफिक जो नाउन है दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम मैनी वर्ड यूज नहीं करते। हम मैनी वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम काउंटेबल नाउन्स जैसे टेबल्स, चेयर्स, लैपटॉप्स, फोन्स, जिनको हम एक्चुअली काउंट कर सकते हैं, इनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और इसके साथ ही हम ये क्वालिफायर मैनी का यूज करते हैं। ट्रैफिक को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जो क्वालिफायर या जो एडजेक्टिव यूज करते हैं दैट इज मच। सो यहाँ पर मैनी की जगह हमने मच का यूज करना है। देन दिस सेंटेंस विल बिकम अ करेक्ट सेंटेंस। देर इज नॉट मच ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। सो जब भी ऐसे कोई सेंटेंस हो उसमें हमने देखना है कि क्या करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, नाउन्स, वर्ब्स हुआ है यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे जैसे ही एक बार पढ़ते ही हमें पता लग गया कि ट्रैफिक नाउन को मैनी क्वालिफाई कर रहा है, बट वो इट इज क्वालिफाइंग, इट इज अ रॉन्ग क्वालिफायर फॉर ट्रैफिक। वाई? बिकॉज ट्रैफिक इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए उसके साथ मच का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। नाउ इफ वी सी पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड, पुलिस आई और उन्होंने देखा, दे फाउंड व्हाट? अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। नाउ अगेन शुगर, शुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। जूस, ऑयल, मिल्क, वाटर, शुगर, दिस आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। और इनके साथ हम लार्ज नंबर नहीं यूज करेंगे। व्हाट वी कैन से इज अ लार्ज क्वांटिटी। सो क्वांटिटी वुड बी अ राइट वर्ड एंड नंबर वुड बी अ रॉन्ग वर्ड हियर। सो यहाँ पर इट शुड बी द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। नाउ दिस एडजेक्टिव इज यूज करेक्टली विथ शुगर विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सो विद एडजेक्टिव यू हैव टू बी वेरी पर्टिक्युलर कि जो नाउन वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके साथ क्या वो एडजेक्टिव मैच कर रहे हैं। नाउ मैनी इज ऑल्सो एडजेक्टिव एंड नंबर इज ऑल्सो, लार्ज नंबर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, बट इट डज नॉट मैच प्रॉपरली विथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। दे हैव टू बी यूज प्रॉपरली। मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होगा, लार्ज नंबर भी काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होगा, मच अनकाउंटेबल नाउन जैसे ट्रैफिक के साथ यूज होगा, और क्वांटिटी वुड बी यूज विथ अगेन अनकाउंटेबल नाउन लाइक शुगर। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द स्क्रीन। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक बट इट कैन नॉट इश्यू चेक बुक्स टू कस्टमर्स। नाउ अगर हम देखें इसमें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये हमारा दिस बिकम्स अवर सब्जेक्ट अवर नाउन, इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सिमिलरली, नाउ सिमिलर यूज हुआ है यहाँ पर। वॉट वी वॉन्ट इज वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ अ बैंक। वॉट वी वॉन्ट टू से दैट दे आर बोथ सेम, तो सेम हमने यूज करना है। सो सेम का सिनोनियम वी कैन यूज सिमिलर।
बट सिमिलरली इज अ रॉन्ग यूज. वाई? बिकॉज एलवाई लगाते ही इट बिकम्स एन एडवर्ब विच इज नॉट फिटिंग इन दिस प्लेस. यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है हमें एडवर्ब की, हमें यहाँ पे चाहिए एक एडजेक्टिव एंड विच शुड बी सिमिलर इज द राइट एडजेक्टिव विच कैन बी यूज टू शो दैट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज जस्ट लाइक अ बैंक. इट इज सिमिलर टू अ बैंक. सो दिस वुड बी द करेक्ट यूज ऑफ द एडजेक्टिव सिमिलर. सिमिलरली इज एन एडवर्ब सो इट कैनॉट फिट इन दिस प्लेस. नेक्स्ट हम देखेंगे इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे. हम कह रहे हैं कि ओल्ड एज में अ पर्सन इज लाइकली, इट इज सर्टन दैट ही विल गेट वीक डे बाय डे. तो जब हम मोर वीक कह रहे हैं, वी नो कि वीक की जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वीक, वीकर एंड वीकेस्ट. तो मोर वीक हम क्यों यूज करें जब हमें पता है कि वीक की कंपैरेटिव डिग्री है वीकर. सो हियर इंस्टेड ऑफ मोर वीक इट शुड बी वीकर. हम मोर या मोस्ट उन एडजेक्टिव्स के साथ यूज करते हैं जिनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एज सच चेंज नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इज यूज सिमिलरली इन पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बट विथ क्वालिफायर्स लाइक मोर एंड मोस्ट. मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट इन द कंपैरेटिव डिग्रीज एंड इन द सुपरलेटिव डिग्रीज रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे व्हेन वी नो दैट वी आर गोइंग टू यूज अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वीक, वी वुड बी यूजिंग वीकर रादर देन मोर वीक. बिकॉज वीक जो एडजेक्टिव है इसकी डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन होती है वीक, वीकर, वीकेस्ट. सो हियर वीकर इज द राइट एडजेक्टिव. नेक्स्ट वी वुड सी कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाय बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट. कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर. नाउ नियरिंग वर्ड, ग्रोसरी स्टोर इज अ नाउन, कृष्णा इज अगेन अ नाउन. नियरिंग जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है दैट सीम्स टू बी रॉन्ग. वाई? बिकॉज नियरिंग एज सच कोई वर्ड नहीं है हमें डिस्क्राइब करने के लिए ग्रोसरी स्टोर को. अगर हमें ये डिस्क्राइब करना है कि पास में ही थी वो ग्रोसरी स्टोर तो वी वुड बी यूजिंग द वर्ड और एडजेक्टिव नियर बाय. नियरिंग इज अ वर्ब इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म एंड इट डजेंट सूट हियर और डजेंट फिट वेल हियर इन दिस सेंटेंस. सो एक्चुअली इट शुड बी नियर बाय ग्रोसरी स्टोर. इट मीन्स अ ग्रोसरी स्टोर विच इज नियर टू द हाउस. कृष्णा रैन टू द नियर बाय ग्रोसरी स्टोर टू बाय बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट. This would be the correct use of the adjective nearby. Next sentence, if we see, lasers are indispensable tools for the delicate eyes surgery. Now, lasers is our subject, which is again a noun. Are indispensable tools. This seems to be okay. For the. Now, particularly, hum eye surgery ki baat kar rahe. So, for the delicate eyes surgery. Instead of eyes, it should be eye surgery. So, lasers are indispensable tools for the particularly delicate eye surgery. Would be the correct use of the adjective. And also the nouns are used in a proper way with those adjectives. So, this is the correct word here. Instead of eyes, it should be eye. The next sentence on the screen is, the faster he completes the work given to him, the largest will be his profit. Now, humne adjectives ke session mein dekha tha ki jab when two changes are occurring simultaneously, we always use the comparative degree. Waha pe ek example bhi humne dekha tha, the higher you go, the cooler you feel. Means two changes occurring simultaneously, so usme hum comparative degree hi use karte hai adjectives ki. अब यहाँ पे जब हमने द फास्टर ही कंप्लीट्स, सो टू चेंजेस हैपनिंग साइमल्टेनियसली, फास्टर इज द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क, द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस. सो दैट वी हैव टू एक्सप्रेस कि जितने जल्दी वो अपना काम करेगा उतना ही जल्दी उसका प्रॉफिट लार्ज होगा या ज्यादा होगा.
So here two changes are occurring simultaneously. That is speed of the work which is increasing and also the profit which is increasing. So यहाँ पे faster तो comparative degree में use किया है, which is a right use. But जो largest use हुआ है, that has been used in superlative degree, which is not required here. It should be the larger will be his profit. Why? Because two changes, fast or speed of the work and profit is large profit, two changes occurring simultaneously. So if we are using faster, it should be larger and not largest, because then there would be a misfit between the degrees of comparison. Two changes occurring simultaneously, so comparative degree has to be used in the sentence. Next is, this young lady is more beautiful but not so cultured as her sister. Now what do we mean to say ki this young lady is more beautiful than her sister but not so cultured as her sister? So this young lady is more beautiful than but not so cultured as her sister would be the right use, because jo comparative degree ka clause hai, more beautiful than, वो इनकम्प्लीट है यहाँ पर, दैन इज मिसिंग. बट सो कल्चर्ड एज जो पॉजिटिव डिग्री का क्लॉज है, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, बट दिस दैन इज मिसिंग इन द सेंटेंस. सो वी वुड से दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल दैन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर. सो दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ द एडजेक्टिव, बिकॉज जब भी एक सेंटेंस में हम एक पर्सन की, जैसे हमने एडजेक्टिव्स के सेशन में देखा था, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, और एक अगर पॉजिटिव में है और एक कंपैरेटिव में है, तो द पॉजिटिव क्लॉज एंड द कंपैरेटिव क्लॉज शुड बी कंप्लीट इन देमसेल्व्स, देन ओनली दैट सेंटेंस इज अ करेक्ट सेंटेंस. यहाँ पर जो कंपैरेटिव क्लॉज था मोर ब्यूटिफुल दैन, दैट वॉज इनकम्प्लीट. सो we have placed this than in the sentence to make it a correct sentence. Now we'll see the next sentence. The circulation of the Statesman is greater than of any newspaper. Now what do we mean to say here ki jo Statesman, the Statesman jo ek newspaper hai, uski jo circulation hai, that is greater than all other newspapers. So here we actually mean to say the Statesman versus other newspapers. एंड हमने एडजेक्टिव्स के सेशन में ये देखा है, जब भी हम एक किसी चीज को इन इट्स कैटेगरी, इफ वी आर कंपेयरिंग विथ ऑल अदर थिंग्स इन दैट कैटेगरी, देन वी हैव टू प्लेस अदर आफ्टर एनी. सो यहां पर द सर्क्यूलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन ऑफ देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज पेपर. जब हम कहते देन दैट ऑफ एनी न्यूज पेपर, वॉट डू वी मीन इज द स्टेट्समैन वर्सेज अदर न्यूज पेपर प्लस द स्टेट्समैन अगेन, विच इज रॉन्ग. एंड सो हियर इट शुड बी अदर, सो दैट वी आर कंपेयरिंग स्टेट्समैन वर्सेज ऑल अदर न्यूज पेपर्स. सो इफ यू सी द एडजेक्टिव सेशन, जिसमें हमने एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट देखे थे, उसमें से एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है कि when we are comparing, when we are showing, when we are talking about a noun in the sense ki it is best in the category, but in a comparative sense, that time we have to show that that thing versus all other things in that category. So the circulation of the Statesman is greater than that of any other newspaper. So this, in this sentence we are actually expressing that the circulation of the Statesman is the greatest, but we are expressing that in a comparative sense. So we are saying that it is greater than that of any other newspaper. Now this is the correct use of the adjective. Similar sentence we will see is the next sentence. Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. Now if we see, everyone agrees that the Ganga is the holiest. Now we have used Ganga as the holiest river and it is in the superlative sense.
सो व्हेन वी से इट इज वी हैव यूज्ड इट इन द सुपरलेटिव सेंस वी विल नॉट बी यूजिंग अदर हियर वी विल से ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया. सो हियर वी हैव सीन टू एग्जाम्पल्स कि कैसे हमें किसी एक सेंटेंस में जब हमने सुपरलेटिव डिस्क्राइब करना है बट इन द सेंस ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, तब हमने स्टेट्समैन का एग्जाम्पल देखा. वी कंपेयर द सर्कुलेशन ऑफ स्टेट्समैन वर्सेस ऑल अदर न्यूज पेपर्स एक्सेप्ट द स्टेट्समैन. देन हियर वेन वी आर सेइंग दैट गंगा इज द होलिएस्ट रिवर वी एक्चुअली आर एक्सप्रेसिंग द सुपरलेटिव डिग्री. सो हियर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अदर वी वुड से एवरीवन अग्रीज दैट द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया. सो देन दिस डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन हियर आर नाउ बींग यूज इन द करेक्ट सेंस. दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द एडजेक्टिव, दिस इज हाउ वी हैव टू यूज देम इन करेक्ट ऑर्डर एंड इन करेक्ट सेंस ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो हमने एक्सरसाइज आज देखी एडजेक्टिव पे वॉज हेल्पफुल टू यू. ये जो हमने एडजेक्टिव्स का जो सेशन देखा था उसमें भी हमने इसी से मिलते जुलते या सिमिलर ही एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, बट यहाँ पर हमने उसको एक्सरसाइज फॉर्म में डिस्कस किए हैं. सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू एंड यू कुड क्लियर मैनी ऑफ योर डाउट्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बींग विथ मी हियर टूडे.